हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है और आज इस वीडियो के अंदर दो तीन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेखपाल के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, पैट के बारे में बात करेंगे, पैट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसकी कॉमन कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ अपडेट्स आई आप सभी लोगों के लिए, वीडियो बनाना जरूरी था इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो ही मैंने बना दिया। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लेखपाल के रिजल्ट को लेकर, तो उसमें आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स भी आए थे, उनकी रिप्लाई भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट लेते हैं आज के ये वीडियो। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैट के कॉमन कट ऑफ को लेकर। तो पैट के कॉमन कट ऑफ को लेकर कल 5 तारीख है और कल हम लोग जो है एक ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं, आप लोग भी शामिल जरूर होना। उसमें उसका जो हैशटैग रहेगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, UP SSC_PAT_common_cutoff। ये हमारा हैशटैग रहने वाला है, इसको ट्रेंडिंग पर लेके आना है, जैसे कि हम लोगों ने यूपी पुलिस का किया था। साथ के साथ काफ़ी सारे हम लोग करते रहते हैं तो वो ट्रेंडिंग पर आ जाते हैं, इसको भी लेके आना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो पैट का जो रिजल्ट है वो आप सभी लोगों के लिए आने ही वाला है, बिल्कुल जैसा मैंने आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है वही बिल्कुल रहने वाला है, अंतिम चरणों में है। UP SSC अभी दो चीज़ों पर काम कर रहा है, पहला लेखपाल के रिजल्ट को लेकर काम कर रहा है और दूसरा कर रहा है पैट के 2022 के रिजल्ट को लेकर। तो ये दोनों जो काम है बिल्कुल अंतिम चरणों में। लेखपाल के आपकी कॉपियों की जो है स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए, आप बिल्कुल भी डिले नहीं होना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा, आपके पास कोई भी ये ना रह जाए कि ये मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा और इस आई बटन में भी मैंने दे रखा है, तो यहाँ पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो लेखपाल का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, कोई एग्जैक्ट डेट है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों का जो रिजल्ट है मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी आने वाला है। ये आपका नवंबर की एंडिंग और दिसंबर के फर्स्ट या मिड तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कन्फर्म न्यूज़ है, आप लोग बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कल एक ASO की परीक्षा हुई थी 2019 में, उसके रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी जो है UP SSC आयोग गए, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम पहले अभी काम कर रहे हैं लेखपाल के रिजल्ट को लेकर और पैट 2022 के रिजल्ट को लेकर। कॉमन कट ऑफ को लेकर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, कल हम लोग ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं तो शामिल जरूर होना। जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप लोग पैट इस बार का दिया हो या फिर ना दिया हो, आपके आने वाले जो जूनियर है उनके लिए फायदा हो जाएगा, आपके लिए भी फायदा हो जाएगा, बाय द वे अगर आपका लेखपाल में नहीं होता है तो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये मुझे आप लोगों को बताने थे। और आप सभी लोगों के लिए एक चीज़ और भी है कि अगर आप लोग पैट की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए या फिर किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने अभी भी प्रोवाइड करवाया था पैट के लिए और वहाँ से काफ़ी कुछ फंसा था, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना। आपके कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि भैया कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी थी लेखपाल की और वही कट ऑफ मैं आज भी बता रहा हूँ कि वही कट ऑफ जो है जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो वो वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है, वैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों का 2023 में पहुंच जाएगा, वो मार्च से पहले पहले आप लोगों को फाइनल रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगा। ये अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और ऑफिशियल अपडेट, आप लोग इसको मान सकते हैं 99% ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को ट्रस्ट है मेरे ऊपर वो लोग वीडियो को लाइक कर देना, जिनको नहीं ट्रस्ट है तो वो लोग अपना जैसा भी कमेंट करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको बताना होता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा भी लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट जरूर करें। और इससे पहले काफी सारी प्रेडिक्शन मैंने करी हुई है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारी चीजें सही भी होती हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और इससे क्या होता है कि आप तो देख लेते हैं वीडियो, आपके दोस्त वगैरह नहीं देख पाते हैं, तो इसको शेयर जरूर कर दिया करो अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, जहाँ भी आप लोग करना चाहते हो अगर आपको सही लगता है तो, ठीक है। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन या तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।